क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बंद वक्र रेखा खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए हम पेंसिल लेंगे, वक्र रेखा खींचना है। तो देखिए हम किस भी तरह से वक्र रेखा, बस बंद वक्र रेखा खींचना है। देखिए हम मिला देंगे तो ये हो गया क्या, ये हो गया वक्र रेखा, ठीक है, यानी बंद वक्र रेखा ये हो गया है। अब कह रहा है कि इसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अब देखिए इसके अंदर वाला भाग को अभ्यंतर कहेंगे, ठीक है, और इसके बाहर जितना भी, देखिए बाहर का भाग को क्या कहेंगे, बहिर्भाग, और ये जो इसकी परिसीमा है यानी जो इस, देखिए जो रेखा से ये बना हुआ है उसको क्या कहेंगे, परिसीमा, ठीक है। तो ये तीन भाग में बांट देता है, तो हमें कह रहा है कि अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो देखिए ये बंद वक्र रेखा, देखिए कहीं भी खुला हुआ नहीं है, ये इसको कहेंगे हम बंद वक्र रेखा, छायांकित करने के लिए कह रहा है। तो हम बस इस तरह से देखिए पेंसिल से इसको हम रंग देंगे इसको। यानी अभ्यंतर को, अंदर वाला भाग को सिर्फ हमें रंगना है, ठीक है, बाहर नहीं। अभ्यंतर मतलब अंदर वाला भाग, वक्र रेखा का अंदर का भाग को हम अभ्यंतर कहेंगे और बाहर का भाग को बहिर्भाग कहेंगे, और इसके देखिए ये जो रेखा से बना है उसको हम परिसीमा कहेंगे, ठीक है। तो अभ्यंतर को बस छायांकित करना है, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे, बस दूसरा में यही करना है, एक बंद वक्र रेखा खींचना है और उसके अभ्यंतर को छायांकित कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीन में देखिए कह रहा है, नीचे दी हुई वक्र रेखा में से खुली वक्र रेखा, बंद वक्र रेखा और सरल वक्र रेखा को पहचानिए। अब देखिए इसमें हमें खुली वक्र रेखा और बंद वक्र रेखा और सरल वक्र रेखा को पहचानना है। देखिए पहला क्या है, तो पहला है, तो पहले देखिए हम खुली वक्र रेखा को इसमें ढूंढेंगे। तो खुली वक्र रेखा देखिए कौन कौन है, एक देखिए तीसरा है, देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसको हम कहेंगे, देखिए इस चित्र को हम क्या कहेंगे, खुली वक्र रेखा। और कौन है, और देखिए ये है खुला हुआ, बंद नहीं है, इसको भी हम खुली वक्र रेखा कहेंगे। यानी तीसरा और चौथा क्या हो गया, खुली वक्र रेखा। बंद वक्र रेखा में कौन कौन आ गया, देखिए ये बंद है तो इसको बंद वक्र रेखा कहेंगे, दूसरा, ठीक है, पांचवा भी देखिए बंद है चारों तरफ से तो इसको भी बंद वक्र रेखा कहेंगे, और छठा भी देखिए बंद है तो इसको भी हम बंद वक्र रेखा कहेंगे। अब देखिए सरल वक्र रेखा में, तो सरल वक्र रेखा में कौन कौन आ गया, दूसरा, ठीक है, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया और छठा आ गया, ये सब सरल वक्र रेखा है। देखिए जो अपने आपको प्रतिच्छेद कर दे वो सरल वक्र रेखा नहीं होगा। तो देखिए पहला सरल वक्र रेखा भी नहीं है, बंद वक्र रेखा भी नहीं है और ना ही खुली वक्र रेखा है, ठीक है। हाँ तो देखिए सरल वक्र रेखा मतलब जो अपने आप को प्रतिच्छेद ना करे, जैसे ये देखिए रेखा अपने आप को ही काट रहा है तो ये सरल वक्र रेखा नहीं होगा। तो ये सब क्या है, सरल वक्र रेखा है। देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सरल वक्र रेखा हुआ, और बंद वक्र रेखा में जो बंद हो, जैसे ये बंद है, ये बंद है और ये बंद है, ये सब क्या हुआ, ये तीनों बंद वक्र रेखा। और खुली वक्र रेखा में जो खुला हुआ है, तो सरल वक्र रेखा में देखिए बंद और खुली वक्र रेखा दोनों आ जाएगा। सरल वक्र रेखा में देखिए दूसरा यानी जो बंद है और जो खुला है वो सब आ गया सरल में, क्योंकि सरल बस उसी को कहेंगे जो अपने आप को प्रतिच्छेद ना करे, जैसे ये कर रहा है तो ये सरल वक्र रेखा नहीं है, ना ही खुली वक्र रेखा है और ना ही बंद वक्र रेखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए इसको अब हम पहचान लिए हैं, तो हम लिख देते हैं कॉपी में खुली वक्र रेखा कौन कौन होगा। तो खुली वक्र रेखा में देखिए पहले हम लिखेंगे तीसरा, चौथा,
बंद वक्र रेखा में दूसरा, पचवा, छठा, सरल वक्र रेखा में दूसरा, तीसरा, चौथा, पचवा, छठा। इसको हम देखिए लिख देते हैं, तो देखिए तीसरा का आंसर हम लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे खुली वक्र रेखा, खुली वक्र रेखा कौन कौन है देखिए, तीसरा और चौथा, ठीक है, खुली वक्र रेखा हो गया। बंद बंद वक्र रेखा कौन कौन है, तो दूसरा कौमा, पचमा कौमा, छठा, ठीक है, दूसरा पचमा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं देखिए, और छठा, कौमा हटा देंगे, ठीक है, दूसरा पचमा और छठा बंद वक्र रेखा हुआ। अब सरल वक्र रेखा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरल वक्र रेखा में कौन कौन आ गया, सरल वक्र रेखा में हो गया दूसरा कौमा, तीसरा कौमा, चौथा कौमा, पांचवा और हो गया छठा, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे, खुली वक्र रेखा तीसरा और चौथा है, तीसरा चित्र और चौथा चित्र, ठीक है, बंद वक्र रेखा दूसरा पचमा और छठा चित्र, सरल वक्र रेखा दूसरा तीसरा चौथा पचमा छठा, यानी खुली वक्र रेखा और बंद वक्र रेखा सब सरल वक्र रेखा में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि संभव हो तो निम्नलिखित को एक चित्र द्वारा दिखाएं। पहला, एक बंद वक्र रेखा जो केवल सरल रेखाखंडों से बना है। दूसरा, एक बहुभुज जो केवल दो सरल रेखाखंडों से बना है। तीसरा, एक खुला वक्र रेखा जो तीन रेखाखंडों से बना है। देखिए तो पहला में है एक बंद वक्र रेखा जो केवल सरल रेखाखंडों से बना है, तो देखिए सरल रेखाखंड मतलब देखिए किसी भी तरह का हम रेखाखंड बना देंगे और उसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो गया। देखिए इसमें कितना रेखाखंड है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बंद वक्र रेखा है जो केवल सरल रेखाखंडों से बना हुआ है, ठीक है, तो देखिए एक रेखाखंड 2 3 4 5 रेखाखंड से ये बना है, बंद वक्र रेखा है, ठीक है, जो केवल सरल रेखाखंडों से बना हुआ है। अब देखिए दूसरा में कह रहा है एक बहुभुज जो केवल दो सरल रेखाखंडों से बना है, तो देखिए बहुभुज दो से अधिक रेखाखंड से बनेगा, ठीक है, जैसे तीन तीन रेखाखंड से त्रिभुज बनता है, दो रेखाखंड से कोई भी चीज नहीं बन सकता है बहुभुज में, ठीक है, बहुभुज कभी दो रेखाखंड से, दो सरल रेखाखंड से नहीं बन सकता है, तो ये संभव नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे संभव नहीं, ठीक है। अब देखिए तीसरा में कह रहा है एक खुला वक्र रेखा जो तीन रेखाखंडों से बना है, तो देखिए तीन रेखाखंड से बना हुआ है, तो बस हम किसी भी तरह तीन रेखाखंड से बना इस तरह कर देंगे। देखिए ये खुला वक्र रेखा है जो तीन रेखाखंडों से बना हुआ है, देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना देंगे। दूसरा में देखिए बहुभुज में, दूसरा में क्यों संभव नहीं है, क्योंकि बहुभुज में त्रिभुज ही है जो सबसे कम रेखाखंड है, यानी तीन रेखाखंड है, बाकी सब देखिए आयत हो गया, चार रेखाखंड इसी तरह बढ़ते जाता है, तो दो रेखाखंड से, दो सरल रेखाखंड से हम बहुभुज नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, संभव नहीं। देखिए दो रेखाखंड से आप नहीं बना सकते, इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा, ठीक है, तीन रेखाखंड चाहिए, तो इसीलिए ये संभव नहीं है, तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल कर लेंगे।
अब देखिए पहला में हम त्रिभुज भी बना सकते थे, ठीक है। ये भी देखिए एक बंद वक्र रेखा जो केवल सरल रेखा खंडों से बना है, देखिए तीन इसमें सरल रेखा खंड है, तो यहाँ पे हम कुछ भी बना सकते हैं, आयत, वर्ग, कुछ भी, ठीक है। बस ये बंद होना चाहिए और सरल रेखा खंड से ही बना है ये सब। तो पहला में देखिए हम कोई भी चित्र बना सकते हैं इन तीनों में से, ठीक है। तीसरा भी हम किसी भी तरह खुला हुआ कर सकते हैं इस तरह या इस तरह, ठीक है। और दूसरा का आंसर हो जाएगा संभव नहीं। तो देखिए तीसरा में आप किसी भी तरह तीन रेखाखंड से खुला वक्र रेखा बना सकते हैं,